What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज 11 मई 2020 मंडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट आ सकता है ये वीडियो। आज हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, तो लास्ट वीक अगर निफ्टी इंडेक्स को देखें तो जो एक रिकवरी फेज कंटिन्यू हुआ था, तो वो एक लेवल के पास अभी एक पॉज ले रहा है। यानी डेली चार्ट पर देखे तो 20 EMA के पास ये एक पॉज ले रहा है। तो अभी क्या यहाँ से अपसाइड फिर से हमें देखने को मिल सकती है, या फिर करेक्शन हो सकता है और ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है, तो किन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अभी लॉकडाउन पीरियड खत्म होने को आ रहा है, गवर्नमेंट को धीरे धीरे सब एक एक करके चालू करना होगा, लेकिन जो कोरोना वायरस का असर है वो अभी तक कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हर एक CM के साथ मीटिंग करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू, तो इसमें से लॉकडाउन उठाने के बारे में क्या निकष निकल के आते हैं वो देखने लायक होगा। तो जो भी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट यहाँ पर अलाउ करेगी, नेचुरली वो यहाँ पर इसेंशियल होगा, जरूरी चीजें प्रोडक्शन करती होगी, इसीलिए उस इंडस्ट्री को कुछ राहत मिल सकती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखें, उनके शेयर प्राइस के बारे में एनालिसिस करें, तो आने वाले समय में ये यहाँ से हमें ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल वीकली चार्ट पर चले जाएंगे, फिर मंथली चार्ट भी देखेंगे निफ्टी इंडेक्स का, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी देख लेते हैं। फ्राइडे को US मार्केट देखे तो वहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। नाजडैक करीब 141 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए थे। आज एशियाई बाजार जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 88 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स 280 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर ताइवान और हांगकॉन्ग मार्केट देखे तो वो भी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 140 पॉइंट्स की अपसाइड मूव इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट है, ये मार्च का कैंडल है, यानी हर एक कैंडल एक मंथ का हमें ओपन हाई लो और क्लोज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो मार्च का कैंडल है उसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। जो अप्रैल में हमने रिकवरी देखी थी उसका भी हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग चल रहा है। फर्स्ट टाइम है 12 साल में 2008 के बाद, ये अगर मैं इसे जूम कर लूँ तो ये 2008 का सिनेरियो है यहाँ पर, और ये अभी 2020 का। 2008 के बाद इसने 12 ईयर्स में फर्स्ट टाइम 100 EMA तक 12 ईयर्स में ये रीच हुआ है। तो यहाँ पर 2008 में जैसे इसने इस ग्रे लाइन यानी 100 EMA को मंथली चार्ट में कैसे सपोर्ट टेस्ट किया था, कंटिन्यू 4-5 महीना इस लेवल को ये सपोर्ट एज ए रिस्पेक्ट कर रहा था और फिर एक बाउंस बैक यहाँ से दिखाया। लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आने वाला है, हो सकता है अगर वैक्सीन जल्दी ना मिले तो कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा, तो इसके रूल्स और रेगुलेशन हमारे लाइफ को काफी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 100 EMA का एक क्रूशल सपोर्ट है, ये जो ग्रे लाइन है ये 8790 के पास है, यानी यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस इस निफ्टी को और भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ ले जा सकता है। फिलहाल जैसा हिस्ट्री ने दिखाया है कि 100 EMA को सपोर्ट करके बाउंस बैक दिखाया था 2008 में, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ समय ये 100 EMA के पास ये स्पेंड करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाए। तो जब तक ये जो ब्लू लाइन है यानी 50 EMA है, 100 EMA यानी 10,150 के पास है ये अभी, इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड रैली देखना काफी मुश्किल होगा। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से। तो ये मंथली चार्ट है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने ये फिबोनाची ये
रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, इसका 50% का लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। तो यहाँ से ये जो फॉल दिखाई दे रहा है लास्ट वीक का, ये तो अगर यहाँ से ये कंटिन्यू होता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो रिकवरी फेज है इसका बॉटम और टॉप पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो 23.6% का लेवल ये यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो 8980 के पास इसका सपोर्ट होगा, और ऊपर की तरफ अगर जाना है तो फिर से एक बार इसको 9890 को ब्रेक करना होगा, और नेक्स्ट उसके तुरंत ये 20 EMA का जो पिंक लाइन है ये ऑलमोस्ट अभी 12231 के पास है, यहाँ पर हो सकता है फिर से एक बार ये हर्डल यानी रेजिस्टेंस फेस करे। तो ये वीकली चार्ट, मंथली चार्ट का सीनारियो, डेली चार्ट को देखें तो इसने 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है डेली चार्ट में 20 EMA को काफी रिस्पेक्ट दिया है, सपोर्ट दिया है, लगातार ये 4 दिन इस लेवल के पास ही एक क्लोज हो रहा था, तो इस लेवल को काफी इसने रिस्पेक्ट दिया है। तो 9230 ये डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो हमें 8980 के लेवल निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऊपर एज पर डेली चार्ट यहाँ पर ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये 9650 के पास है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट हर्डल का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर लास्ट फ्राइडे को आप देखें तो यहाँ से एक स्विंग हुआ है, ये जो गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया और एक छोटा सा यहाँ पर बाउंस दिखाया था, तो ये स्विंग हाई यहाँ पर बन रहा है इसे, तो इस स्विंग हाई को ब्रेक होने दीजिए यानी R1 के लेवल के ऊपर यानी 9347 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9375, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 9404, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लेवल है जस्ट 100 EMA के नीचे यानी इस ग्रे लाइन के नीचे, 2 दिन पहले इस लेवल के पास इसने जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया था, ये देखिए इस लेवल के पास कंटिन्यू इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था, तो इस लेवल को अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 2 दिन पहले तो अभी हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे, तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, ये लेवल ब्रेक होता है 9000 तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9199 जो कि S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, और सेकेंड टारगेट होगा 9178, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है, तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, 1 दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।